बोले पायो जी मैंने राम रतन खतम पायो, ये धन ऐसे धन है जिस पर चोर नहीं लगे लुटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त समा, ये धन केवल बढ़ती रही। ठीक है ना, इन भगवान की नाम धन को, इस धन को अपना बनाओ। ठीक है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौराङ्गी मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राघिमा वक्षोदि गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ शून्यं च प्रतिमा भूमो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे निजते रसेन जडिमा ध्याने स्तुमे गोचर। हरि शरणम् भक्तवांछा कल्पदरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की मांगलिक प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवतम। हमारा सब सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ पर परम कृपामय परम तेजमय भागवत जो ग्रंथों का सार है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, उसके रसास्वादन के लिए हम लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं सबसे पहले अपने परम गुरुजन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण स्वामी महाराज जी के श्री चरणारविंदों में प्रणिपात अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात अपने अंबुज नयन से, अपनी मधुर वाणी से, अपने दिव्य वचनामृतों से हम सबको आह्लादित करते हुए व्यासासन पर विराजमान पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी जो मेरे परमानंद सद्गुरुदेव हैं, उनके चरणों में बारम्बार दंडवत अर्पण करता हूँ। एवं आज जिनकी सराहना साक्षात ब्रह्मा और शंकर कर रहे हैं, वे समस्त श्रोतृवृंद जिसके जिनके भीतर स्वयं श्री बालकृष्णलाल प्रकट होकर के अपनी स्वयं की कथा का आस्वादन कर रहे हैं, ऐसे समस्त श्रोतृवृंद वैष्णव और वैष्णविया आप सभी के श्री चरणों में मैं दंडवत करता हूँ तथा हृदय में बालकृष्णलाल को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी पुनः अभी मैं यहाँ पर कल आना था, परंतु कल मेरी चर्चा जो थी श्रीमद नवदा भक्ति श्रीमद गौरांग महाप्रभु का जो चरित्र, छह दिन तक मैं अभी हिसार में रह करके आया हूँ और लेफ्टिनेंट कर्नल ओपी शर्मा के यहाँ मेरा ये वक्तव्य था, तो कल आना था, तो सॉरी आज आखिरी दिन। वैसे तो आखिरी दिन का बड़ा महत्व है, समस्त षठ दिवस की जो कथा का सार है वो कल कल कल्लोल मंत्री भगवती भागीरथी के रूप में सप्तक दिवस के अंदर प्रवाहित होता है। देखिए आप लोग सब, हम लोग सब बड़े सौभाग्य हैं। अभी उन्हीं रिटायर्ड कर्नल ओपी यादव ओपी शर्मा हैं लेफ्टिनेंट, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि हम लोग सब कुछ जानते हुए हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है। देखिए भागवत जी के अंदर स्वयं शौनक जी इस बात का निरूपण करते हैं, व्यक्ति के अंदर चार दोष होते हैं जिसके कारण भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण कल्याण संभव नहीं होता। वे चार दोष कौन से हैं? मंदा सुमंद मतयो हो, मंदा सुमंद मतयो हो, मंद भाग्या युपद्रुता। ये चार दोष है। पहला दोष मंदाह, मंदाह आलस्याह प्रमादाह। मंदा शब्द का अर्थ है प्रमाद, भजन में प्रमाद, नाम जप में प्रमाद। प्रमाद हमारे जीवन में है, इस कारण से भक्ति नहीं बढ़ रही है। प्रमाद शब्द का अर्थ क्या है? आलस। हमारे जीवन में इतना भयंकर आलस है जिसके कारण भक्ति आगे बढ़ नहीं रही। तुलसीदास जी कहे काय में आलस है, हम लोग को भोजन में आलस है और सब चीजों में आलस है, इनमें आलस नहीं है, केवल भगवान का नाम जप इसमें आलस है, भगवान की कथा श्रवण इसमें आलस है, इसी के इन्हीं आलस के कारण से तो हम लोग कल
जाते हैं। राम नाम में आलसी, कृष्ण नाम में आलसी, और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। राम नाम कृष्ण नाम में हम लोग आलस करते हैं, और भोजन में अभी कोई ले आए सामने बाजरे की रोटी तो फिर यूं कहे नहीं नहीं प्रसाद, थोड़ा सा प्रसाद ले, अभी रबड़ी आ जाए तो एकदम से प्रसाद की महिमा जागृत हो जाएगी। प्रसाद में भी प्रमाद है, क्योंकि हम लोगों का हृदय ऐसा है, मंदाह आलस्याह मंदाह इति कथ्यते। अभी मैं पीछे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी लगा लीजिए, उनसे मिला, अंग्रेज हैं भी, फॉरेन से हैं, और निर्मल हृदय के। देखिए अगला जो है मंदा सुमंद मतयो, सुमंद मतयो मंदमती पागल इंसान, उसके आगे सूप सरगोर लग गया, जो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं फिर भी करता जा रहा है, ऐसे इसको कहते हैं सुमंद मती, जो जानबूझकर वो आप ये बताइए कि यदि कल्याण के साधन में ये दोष हमें हटाने हैं तो इसका एकमात्र साधन क्या है, तो उन्होंने कहा पहले ये बात मैं बता देता हूँ उसके बाद ये आप बताइए। तो मैंने कहा कि हाँ भगवान आप अवश्य बताइए। तो वो बहुत अच्छे उसने उन्होंने रिसाइट की, he was reciting a very beautiful hymn, बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने कहा, बहुत सुंदर हरे, और इसी लय में कहा the same fluence which I am reciting now is recited by himself, हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथीषे सुभग कटि सूत्रोज्ज्वल करः विशाल चैतन्य किम मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम। द वेरी ब्यूटीफुल एक्साइटमेंटल हाइमन इट इज, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा ग्लोरिफिकेशन है, उन्होंने ही बताया। मैंने कहा महाराज, मैंने पूछा, आई वाज आस्किंग हिम बाय हिम कि हाँ ऐसा बताइए कि आपको इसमें ऐसा क्या लगा। उन्होंने कहा जो साक्षात भगवान भुवन भास्कर जिसके चरणारविंदों में अपना नतमस्तक प्रदान करते हैं, ऐसे श्री राधा कृष्ण के एक रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, सोचिए हरिबोल हरिबोल का कीर्तन करते हुए एक पद से दूसरे पद की ओर प्रतिगमन कर रहे हैं, और साक्षात स्वयं भगवान होने पर भी साक्षात नाम का प्रचार कर रहे हैं, और नाम का प्रचार करके खुद का कल्याण अनुभव करा करके दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। इससे ज्यादा कल्याण की सदगति, इससे ज्यादा हमें सदगति और कल्याण का सुव्यवस्थित मार्ग कौन बताएगा। हम लोग जिस संप्रदाय में श्री ब्रह्मांड गौड़ेश्वर वैष्णव परंपरा, ये साक्षात भक्ति का प्रतिपाद्य स्वरूप ग्रंथ जिसके अंदर से सम्मानित होते हैं, प्रवाहित होते हैं, वो साक्षात गौड़ीय संप्रदाय हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मिली है। इसीलिए सुमंद मतयो मंद बुद्धि, हमारी जानबूझ कर मंद बुद्धि, पता है कल्याण का मार्ग ये है, उसके बाद भी जानबूझ कर गलती करना। मंदाह सुमंद मतयो आगे मंद भाग्यायुपद्रुतम, तीसरा है मंद भाग्य, हमारा मंद भाग। अब आप लोग कहेंगे भाग्य, हमारा भाग्य कैसे मंदा है भाई, आप लोग तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हम तो कलेक्टर हैं, और हम लोग, मैं खुद इंजीनियर हूँ, और वो डॉक्टर है, और वो है, और वो, अरे भाग्य कैसे मंदा है। अरे जो इतना पैसा है, इतना इतना ऐश्वर्य है, इतना इतना ज्यादा हमारे पास पावर है, तो हमारा भाग्य मंद कैसे है। हमारा भाग्य मंद फिर भी है, मंद भाग्य क्यों,
हम लोगों को एक बार एक व्यक्ति गया किसी संत के यहाँ और जाकर के कहा, भगवान 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 आप बताइए मेरे कल्याण का मार्ग क्या है, आप बताइए मैं क्या करूं ऐसा। उन्होंने पूछा कि आज तक कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा सब सुन डाला, भागवत महापुराण, भागवत महापुराण महाभारत लेकिन पंचम पंचम वेद सारे वेद सुन डाले। तो बोले फिर भी कुछ तो बताओ कि कल्याण का मार्ग क्या है। तो उन्होंने कहा अरे जितना सुना है मात्र उस पर अपनी दृष्टि डाल करके केवल उसका सार श्री नाम को निकाल करके और उसका मंथन उसके दिव्य अमृत का रसास्वादन करो, यही तो कल्याण का मार्ग है। इसलिए मंदाह सुमंत मतयो मंद भाग्य है उसके। और हमारा भाग्य क्यों, देखिए भागवत जी या फिर अन्य क्यों सुनना चाहेंगे संतों के चरणों में बैठ करके, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे तत्व हैं जो हमारी हमारी बुद्धि से परे हैं। अभी द हिंदू न्यूज पेपर पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, तो वहां पे नीचे एक आर्टिकल आया था कि इट वॉज अमेज्ड इवन श्री राम द लॉर्ड हिमसेल्फ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड है, वो खुद रोए हैं सीता जी के लिए, ये कैसे भगवान है। वहां पे नीचे लिखा हुआ था क्योंकि वो संत का वहां संतत्व का अभाव था। और वैसे भी यह बात सत्य है, अगर हम लोग वाल्मीकि रामायण में जाएं तो भगवान राम ने शोक किया है सीता जी के साथ। राम जी चले जा रहे थे जाकर के एकदम से जब सीता जी चली गई थी तो एकदम से राम जी को हुआ तो उन्होंने पूछा सौमित्रे ननुषेदितां तरुतरं हे लक्ष्मण को हम वत्से, हे लक्ष्मण मैं कौन हूँ। लक्ष्मण ने कहा आप राघव हैं प्रभु, राघव कौन होते हैं। आर्य एव भगवन, आप आर्य हैं क्योंकि आप रघुकुल में प्रादुर्भूत हैं। अच्छा मैं आर्य हूँ हाँ, तो फिर हम इस यमन जंगल में क्या कर रहे हैं। किं कुरु वो विजने बनाई नतीय तव, हम इस यमन जंगल में कर क्या रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले सीता समुद्रिक्षिते, हम सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं। अच्छा सीता जी को खोज रहे हैं, अब भगवान राम सीता जी को भूल गए कि सीता जी कौन थी। कौन सीता भाई, लक्ष्मण जी सोचे ये कौन सी लीला है। जनकाधिराज कन्हैया जनक नंदिनी सीता, ओ जनक नंदिनी सीता सुनते ही राम जी पछाड़ खा करके गिरे। हा हा प्रिय जानकी, हा हा प्रिय जानकी। थोड़ी देर बाद उठे, उठने के बाद देखा बेहोशी से उठे तो सौमित्रे ननुषेदितां तरुतरं, अरे लक्ष्मण 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 जल्दी से है ना किसी पेड़ के नीचे चले जाओ। क्यों, क्योंकि चंडा सूरज चंपते, ये धधकता हुआ सूर्य हमारी ओर बढ़ रहा है। भैया ये सूर्य नहीं है, ये तो चंद्रमा है। चंदो अयम उन्मीते, ये तो चंद्रमा है, ये कैसे भूल गए। अच्छा चंद्रमा है, आप तुम कैसे कह सकते हो लक्ष्मण ही चंद्रमा है, क्योंकि धत्तम कुरुंगम यथा, क्योंकि इसके अंदर हिरण का चिन्ह है। जैसे ही सुना हिरण का चिन्ह है फिर राम जी पछाड़ खा करके गिर गए कि हिरण के समान नेत्र वाली मेरी जानकी, चंद्रमा के समान मुख वाली मेरी जानकी कहाँ गई। तो फिर हा हा प्रिय जानकी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नयनी, विरह विकल नर इवर गुराई, खोजत विभिन्न फिरे उभाई। राम जी का तो इसलिए मंद भाग्य, ये सब सारी चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए तो कथा में बैठते हैं हम लोग, इसलिए तो संतों के द्वारा इन पर से पर्दे हटते हैं। गाढ़ान राग भरे निर्भर भंगुराय कृष्णे दिनाम मधुरम मृदु पाठ गंत्या धिम्मा मदंत मदि चंचल जाति दोषा यह राधा करार गुरुन बोल कचस्तु कोष्णिम। सुखदेव को भी कहा ज्ञान था, सुखदेव जी थे उनको कहा ज्ञान था भागवत का, लेकिन श्री राधा जी ने एक 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 पर्दे को खोल कर खोल खोल करके निकुंज के एक एक पर्दे को खोल खोल करके वृंदावन की दिव्य लीला का वितरण कर दिया, तब जाकर के वो भागवत जी के विषय में कुछ कहता है। इसीलिए संतों के चरणों में बैठ करके कथा का रसास्वादन मंद भाग्य। अब लास्ट है युवत्रुता, युवत्रुता का मतलब है व्यसन, और व्यसन हम सब जानते हैं आज सबसे बड़ा व्यसन हमारा मोबाइल फोन है, ये सबसे बड़ा व्यसन है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन और अनयूटिलाइजेशन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन स्वयं भक्तमाल में व्यसन का बहुत बड़ा निरूपण किया, व्यसन किसका होना चाहिए।
हरि नाम जसन सो जाई कहा जहां राधा और मोहन के ही करते राधा और मोहन की गले छवि जाके मन में सुभाए सो रास रचत अरे शुभ सहज कार्तिक नारद आदिक शेष गणेश को पितर जहां पे नारद सो प्रभु व्यास कहे जैसे सोई व्यसन कल्याण कुमार जाही व्यसन पर वारी हो ये व्यसन कथा का व्यसन हरि नाम का व्यसन हरि 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 चिंतन का व्यसन श्रीमद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इत्यादि हमारे वैष्णव संतों के दिव्य ग्रंथों में श्रवण का रसा स्वागत समस्त वैष्णवों की वाणी का रसा स्वागत इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं कोटिश वंदन करता हूँ सभी को आप लोग बहुत लकी हैं यू ऑल आर वेरी लकी टू सिट हियर जस्ट टू लिसन द ग्रेट अपॉर्चुनिटी द ग्रेट नेक्टर ये तो नेक्टर कम है इस भागवत रस का पान कर रहे हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो आप लोग चाहते हो आपके बच्चे भी ऐसे बने कौन बनता है हरे कृष्ण आप लोग सब हाथ उठाते हो अगर आप चाहते हो आपका बच्चे ऐसे बने हरे कृष्ण हरि बोल अगर आप चाहते हो ऐसे आपको बच्चे बने ना फिर तो कहते संत के संग लागी रे तेरी जब जब संतों का संग करोगे ना फिर आपका बच्चे ऐसे बने फिर उल्टा पुल्टा काम नहीं जाएगी पिएगी नहीं उल्टा पुल्टा चीज खाएगी नहीं उल्टा पुल्टा संगत में बैठेगी नहीं तभी हो पाएगा अगर आप सब लोग ने भक्तों का संग करोगे फिर तो आपका बच्चे एकदम धीरे धीरे टूटे बड़े लगेंगे इसलिए फिर हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी खाए आप लोग काफी अभी हम सोच हम लोग देखो हम चाहते हम लोग जो कथा करते हैं ना हमारा यही उद्देश्य है आपका घर गोलोक धाम बने आपका घर गोलोक वृंदावन बन जाए सभी घर गोलोक वृंदावन बनेगा जब घर में बच्चे प्रभु की भक्ति करें हम भी भगवान की भक्ति करें आपका घर भी भगवान का धाम बन जाएगी घर में कीर्तन होगा सत्संग होगी घर में देखो इनके देखो इनके तीन लोग पांच भाई है उनको पांच एक बोले हैं पांच भाई पांच एक बोले क्योंकि ये सबके सब यहाँ पर बैठे उनकी बहनी बैठी है उनकी बहनी की बहनी बैठी है और उनको उनकी बेटियां बैठी है उनकी बहुए की बेटियां यहाँ पर बैठी हुई है और सबके साथ गोपाल मंत्र लेकर गए हरिनाम लेकर गए हैं इसलिए इन्होंने एक गुरु जी के पास में ये पहला बार गुरु जी के पास में आए और अकेले गुरु जी के पास में आए ना उन्होंने पूरा परिवार को उठने पूरा परिवार को खींच करके सबको ले आए भक्ति जगत में ठीक है ना इसलिए हम चाहते हैं आपका परिवार में भी कैसे हो बच्चे अच्छे बने ठीक है आज आप लोग इनको अपना नाम और फोन नंबर दे कर देगा ठीक है इतना दे कर देगा ना हम कोशिश करेंगे हर एकादशी को यहाँ पर आप सबके सब एकत्रित हो हर एकादशी को एकत्रित हो थोड़ी सी कीर्तन होगा ये थोड़ी सी आपको सत्संग सुनाएंगे कथा सुनाएंगे और हमारे जो भक्त लोग हैं हम कोशिश करेंगे जैसे आए अगर धीरे धीरे जैसे अभी एक सप्ताह तक कथा सुने आपके हृदय में भावना आई हो हाँ हम भी भजन करें भक्ति करें अगर बीच बीच में उसको पानी देते रहो ना जैसे थामला लगवाए अगर पानी नहीं तो उसको सूख जाएगी ये पानी की आप सत्संग है ये पानी है अगर बीच बीच में कभी कभी अपना घर में किसको बुलाओ हमारे यहाँ पर और भी भक्त लोग हैं ये उनको बुलाएंगे अपना घर में जाएंगे थोड़ी सी कीर्तन करेंगे आपको बच्चों को बैठाएंगे बच्चों को बैठा के थोड़ी सी सत्संग सुनाएंगे इतना आपका बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे बहुत प्यारा बनेंगे ठीक है इसलिए आप लोग अपना फोन नंबर और नाम हरे कृष्ण प्रभु जी कहते हैं जैसे बच्चे का दर्द हम क्या करते हैं सारा दुनिया में गुलगम केन कटवाए
और बोतल पिएंगे और गुड़का भी खा गए। इसलिए उसमें बच्चे का कल्याण नहीं है। इसलिए कि संत कह रहे थे, भैया ध्यान दे कृष्णा, जिस बच्चे के बर्थडे में इतने तुमने बोतल तोड़वाओगे, इतने जानवर मारोगे, बच्चे का कभी कल्याण नहीं होगा। वो 100 साल होगा तो फिर 50 साल की उम्र में पा जाएगा। लेकिन अगर इन लोग बुलाओ, भक्तों को हरी कीर्तन करो, स्वस्थी स्वस्थी वाचन पढ़ कर बच्चों को आशीर्वाद देंगे, हैं भगवान की कीर्तन कथाओं में देखा, बच्चे संस्कार बनेंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे। ये केक कटवाना हमारी संस्कृति नहीं है, ये अंग्रेजों का संस्कृति है। हमारी संस्कृति तो हरी कीर्तन है, भगवान का नाम है। क्यों? मंगल भवन हमारी शादी की साल ग्रह हो तभी बुलाओ। ये लोग आएंगे, हमारे कुछ भक्तों को बुलाएंगे, लेकर कीर्तन करवाएंगे, हैं पति पत्नी को आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करना जैसे भक्तों को साथ में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर जरूर आप लोग नाम और फोन नंबर लिख लेकर जाना, काफी और पैर रखना, ठीक है। ये बच्चे भी थोड़ी सी सुनाएंगे आज मेरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं बस आप लोगों को कुछ कम शब्दों में कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि कुछ समझा सकूँ। मेरे कुछ प्रश्न है आप सभी लोगों से। आप हाथ खड़े करना बस। आप में से कौन कौन ऐसा है जो भगवान को मानता है? देखिए सबने हाथ खड़े गए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आप सब में से कौन कौन ऐसा है जो भगवान की भक्ति करते हैं? इसमें भी हाथ सबके खड़े। तो फिर फर्क क्या है दोनों प्रश्न में, कोई बता सकता है? देखिए, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना भक्ति नहीं है। भगवान की सत्ता को स्वीकार करना आस्तिकता है। और भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध जोड़ के उन्हीं का हो जाना है, ये भक्ति है। तो मैं आप लोगों को इसी से एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। भगवान के साथ हम सभी को कुछ ना कुछ नाता जोड़ना चाहिए। ठाकुर जी जो है, आप जिस प्रकार उनके साथ नाता जोड़ेंगे, वो आपके साथ उसी प्रकार लीला करेंगे। देखिए, बनारस में एक सेठ था। बनारस में राज राजेश्वरी राधिका जी का जन्मस्थान। तो उस सेठ के पास धन दौलत संपत्ति, घर में 3 बेटे 3 बहू, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो बेचारा फिर भी बड़ा दुखी था। तो दुखी होने का क्या कारण हो सकता है? अगर आप सब लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएं, तो क्या आप इस चीज की मुझे गारंटी दे सकते हैं इसके बाद कि आप सब लोग सुख चैन शांति से रहेंगे? आपको मैं एक विश्वास दिला सकता हूँ, आप मानो ना मानो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अंबानी भी जो होगा उतनी चैन की नींद नहीं सोता होगा जितना भाग लेबर जो फुटपाथ पे काम करती है वो चैन की नींद सोती है। तो फिर आप ये मत समझिए कि जो धन है उसी से सब कुछ हो सकता है। तो वो सेठ बड़ा दुखी था। एक दिन उसको संत महात्मा मिले, बड़ा परेशान। महात्मा जी ने उससे पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर इतने दुखी क्यों? उसने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी का अभाव है, बेटी नहीं है मेरे पास। तो महाराज जी ने बोला, अपने जीवन में जिस चीज का अभाव हो वहां पे ठाकुर जी को स्थापित कर दो, उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला, सुन सेठ तुमको मिलत है बरसाने को वास, यही नाथ राधा सुता फिर काहे होत उदास। कि राधिका जी को सुता, सुता माने होता है पुत्री, कि राधिका जी को आप अपनी बेटी बनाओ तो किस बात की फिर उदासी है। तो राधिका जी का आशीर्वाद हुआ, कृष्ण भगवान की कृपा हुई, संत महात्मा का आशीर्वाद मिला। महाराज जी ने उसी वक्त एक राधिका जी की छवि मंगाई और उसके घर पे मंदिर में स्थापित की। और वो बहुत खुश, रोज दिन में जाए दुकान पे जाए, राधे 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 नाम लेता जाए राधिका जी का, राधे 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 राधे, भोग लगाए प्रसाद पाए राधे राधे, सोए तो राधे राधे। एक दिन क्या हुआ, उसके घर पे एक मनिहारी आई, मनिहारी को चूड़ी पहना दी। तो वो आए, वो जब चूड़ी पहना, अब देखिए इसमें भाव सुनिए, बहुत बहुत सुंदर कथा है। तो वो जब चूड़ी पहनाने आई तो तीनों बहू आई वहां पर, चूड़ी पहनी उन्होंने। तो राधिका जी को जब पता लगा कि मेरे पिताजी के घर पे
मेरे पिताजी के घर पे मनिहारी आई है पूजा कराने। तो जैसी वो तीनों भुवें गई, राधिका जी प्रकट हुई और उन्होंने मनिहारी के आगे अपना हाथ करा। मनिहारी ने श्री राधिका जी को चूड़ी पहनाई और श्री राधिका जी अंदर ध्यान करती। अब सेठ वहां पे था, सेठ तो अपनी दुकान पे, सेठ से कोई भी उससे पूछे कि उसका परिचय पूछे तो देखो अगर हमारे घर पे लड़के होते हैं हम कई लोग लड़की होने से परेशान हो जाते हैं। देखिए वो सेठ कितने गर्व से कह रहा है, तीन बहू है घर में सुख सुविधा पूरी, तीन बहू है घर में सुख सुविधा पूरी, धन से भवन परे है कोई नहीं है मजबूरी, और श्री कृष्ण कृपा से नहीं है कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ और मेरी बेटी है श्री राधा। तो देखिए कि क्या है, वो बड़े गर्व से कि मेरी बेटी श्री राधा है। तो मनिहारी जब क्या होता था घर में उसने चूड़ी पहनाई चार लोगों को पहनाई, वो मोल लेने गई अपना। जब मोल लेने गई तो मनिहारी ने कहा, सेठ ने उसको पैसे दिए तो उसने बोला कि और दी मैंने चूड़ी चार को पहनाई है। तो सेठ बोला कि अपना सो गए। अब जब सोपन आया तो सोपन में श्री राधिका जी पकड़ थी, लेकिन बहुत उदास, बहुत ज्यादा उदास। तो सेठ ने उनसे पूछा क्या हुआ बेटी तुम इतना उदास क्यों हो। तो राधिका जी ने बोला कि चार चूड़ी पहन ली मैंने पितू का घर समझ के, चार चूड़ी पहन ली मैंने पितू का घर समझ के और तुम मनिहारिन को मोल नहीं चुकाए हो कि मैंने अपने पिता का घर समझ के चार चूड़ी पहन ली तो तुमने उसके लिए पिता का वो मनिहारिन को मोल नहीं चुकाया है। अब उसे सेठ को लगा कि ये मेरे से बड़ी गलती होगी, उसको पत्नी रो रहा है, आंसू आ रहे हैं उसकी आंखों से। तो बोला बेटी मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। तो उसने बोला तीन बहुए यार हैं किंतु एक बेटी यार नहीं है, और ऐसी बही दूरी जाने कौन मजबूरी, ऐसी बही दूरी जाने कौन मजबूरी, चार चूड़ी काज श्री राधिका जी अपनी बेटी को बिसरायो है, मतलब अपने तुमने एक चार चूड़ी के लिए उसके मोल के लिए अपनी बेटी को भुला दिया। मैं तो सोचती थी मेरे पिताजी का घर है तो इसलिए मैंने, तो उसको बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, भावपूर्ण हो गया, आंसू आए, उसी टाइम स्वप्न टूटा लेकिन उसके बाद भी आंसू आ रहे थे। भागता भागता कपड़े पहन के पैसे लेके सबसे पहले मनिहारिन के पास गया, उसने गेट खटखाया। जैसे मनिहारिन ने गेट खोला तो उसने बोला सेठ जी आप, तो उसने बस एक बात बोली धन धन भाग तेरो मनिहारिन, धन धन भाग तेरो मनिहारिन, धन धन भाग तेरो मनिहारिन। कि उसने बोला कि मैंने जिसे अपनी बेटी माना मैं अपने नयन से कभी उसे निहार नहीं पाया, और उस सुंदर स्वरूप श्री राधिका रानी को आज तुमने चूड़ी पहनाई है, तो धन धन भाग तुम्हारे, तुम बहुत बड़ भागी हो कि तुमने श्री राधिका जी को चूड़ी पहनाई है, मैं उनका पिता हो के भी उन्हें कभी देख नहीं पाया। तो मनिहारिन बोली जब मिलो तुझे अमोल धन तो काहे मांगत कोई और धन, जब मिलो तुझे मोल धन तो काहे मांगत कोई और धन, हे मेरे मन प्रेम से श्री राधे राधे बोल। तो उसके बाद मनिहारिन ने बोला हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जिंदगी का
आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि अभी आप ये भी कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, तो अभी हमने क्या बोला कि जिस चीज का अभाव हो उस जगह पे ठाकुर जी को रखिए, जिंदगी में हरि नाम को रखिए, उसके बाद धन नहीं है। और ये धन ऐसा है जितना आप खर्च करोगे, जितना किसी को दोगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हम अपनी जिंदगी में हर कोई पूछता है भगवान के बारे में, मतलब क्यों देखना चाहिए भगवान को। आप लोगों ने कभी स्टैंप देखा है जो लगाते हैं, देखा है स्टैंप के ऊपर कुछ भी लिखा होता है तो उल्टा लिखा होता है, ताकि जब हम उसे लगाएं, जब हम उसे स्टैंप मारेंगे तो वो सीधा छपे। ठाकुर जी के सामने प्रणाम करने से हमारे माथे की जो लकीरें उल्टी छपी हैं वो प्रणाम करने से सीधी हो जाती है। बोल श्री वाहे बिहारी लाल की जय। मैं टीचर हूँ, अभी मैं PhD इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ और बाकी मैं पढ़ाता हूँ अभी। देखो ये बच्चे लोग हरिनाम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, इसलिए ना इसलिए हम ये बच्चों को खड़े करते हैं ये एग्जाम के लिए। अब भी अपना बच्चों को ऐसे बना सकते हो जो बच्चे पढ़ाई भी करें, पिता माता की सेवा भी करे और क्या करे, भगवान की भक्ति सब कुछ करे। चाहते हो आप सब कुछ, सब चाहते हो कि नहीं? अगर चाहते हो फिर भक्ति में जोड़ो, ठीक है, भक्ति में जोड़ो। जब ये एक बच्चा है, इसको जानते हो आप लोग, कोई जानते हो इसको? ये जयपुर के रहने वाले, अभी तो नोएडा में इंजीनियर है, नौकरी भी करता है, अच्छी तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन अभी भगवान की भक्ति भी करता है, भजन भी करता है, इसलिए एक परिचय आपको बता सकता है। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भक्ति गौर भक्त वृंद सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। महाराज जी देखो बस शुरू बता रहे थे कैसे जो माता जी अपने बच्चों को लेकर आती है शुरू में ही, तो प्रहलाद महाराज जी जो है इसमें भागवतम में वर्णन आता है किस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी इसी विषय पर बता रहे हैं कि क्यों भजन करने के लिए जो है क्या सही उम्र है, क्या किस समय से हमको भजन आरम्भ करना चाहिए, उसके विषय में बताते हुए प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवतान ही है दुर्लभम मनुष्य जन्म तदर्थ द्रोम अर्जुनम। वो बता रहे हैं कि भजन करने के लिए कोई लोग सोचते हैं कि अभी हमारा शुरू शुरू में जो है बच्चा जैसे छोटी उम्र का है तो शुरू में पढ़ाई लिखाई करे, उसके बाद में शादी कर ले, उसके बाद में बीवी बच्चे हो जाए, बुढ़ापा नौकरी वगैरह करे, बुढ़ापा आ जाएगा रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद में जो है हम भजन करेंगे। लेकिन सलाह महाराज जी एकदम मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि कौमार आचरित प्राज्ञम अर्थात जो है भजन करने की उम्र क्या है, बचपन से ही आप कौमार अवस्था से ही जो है भजन प्रारंभ करो। तो वो कह रहे हैं कि कुमार जो बचपन से भजन क्यों करें, आगे तो इतनी उम्र पड़ी है तब कर लेंगे। तो प्रहलाद महाराज जी उनका उत्तर देते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई सर्टिफिकेट लेकर आए हो कहीं से कि जो इतनी उम्र तक जीवित रहोगे नहीं रहोगे। आप देखो आज के कलयुग में इतना ऐसा प्रभाव हो गया है कि बच्चे जो है जो बचपन में ही मृत्यु हो जाती है किसी बच्चों की, कोई जो है थोड़ा सा कुमार अवस्था में होके कोई कॉमन अवस्था में आकर भी मर जाते हैं, तो मृत्यु जो है किसी की निर्धारित नहीं है कि इस समय पर ही होगी। पहले जो है सतयुग में द्वापर युग में यहाँ लोगों की उम्र फिक्स थी, यहाँ ठीक इतने समय में जिएगा ही, लेकिन आज के समय पर कली का इतना प्रभाव है कि किसी की आयु परमायु निर्धारित नहीं है, कोई किसी की किसी भी क्षण आपने जो श्वास ली है वो वापस छोड़ोगे जीवित रहोगे तो इसका किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। तो फिर जो है इस वजह से भजन जो है कब से करो, कुमार अवस्था से ही प्रारंभ कर दो। तो वहाँ पर जो है ये जो है इंस्ट्रक्शन जो है कौन दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी दे रहे हैं, कहाँ पर जो अपने गुरुकुल में जो है तो अपने साथी सहपाठी हैं उन लोग को ये सब बता रहे हैं।
तो वहाँ पे जो बच्चे लोग प्रश्न करते हैं कि ठीक है आप कह रहे हो कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट नहीं है मर जाएंगे, मरने के बाद तो आप पता है ना आत्मा तो चिन्ह है, पुनर्जन्म तो मिलेगा ही, पुनर्जन्म मिलेगा तो अगले जन्म में कर लेंगे। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य जन्म ही मिलेगा। हमारे जो है संप्रदाय में एक आचार्य हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो बड़ा सुंदर कीर्तन लिखते हुए कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म लभिया संसारी कृष्णा भजी में दुख खरीदेगा हमारे, अर्थात ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है। बड़े ही 84 लाख की योगियों में भटकते भटकते भटकने के बाद में भगवान ने कृपा करके और ये मनुष्य जन्म आपको दे दिया, मनुष्य जन्म दिया है। तो इसके अंदर जो है चार कार्य पशु करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में मत लगे रहो। जो है ना महाराज जी ने बताया जैसे आपको किस प्रकार जो हम दिन में 2 काम करते हैं रात में 2 काम करते हैं, अर्थात जो धन संग्रह करना और जो है खाना, जो ये सारा काम हम दिन में करते हैं, सोना और विषय भोग करना, ये 2 काम हम रात में करते हैं। तो ये ही काम तो एक पशु भी कर रहा है, जो जानवर होते हैं वो इन 4 चीजों में हमसे और एडवांस है। तो हम लोग को ये मनुष्य जन्म जो है इसलिए नहीं दिया है। तो मनुष्य जन्म क्या है, दुर्लभ है, दुर्लभ है अर्थात हम लोग को जो ये विवेक दिया है, ये बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल करते हुए क्या करो, कृष्ण का भजन करो। कृष्ण का भजन करो क्यों, क्योंकि जो है जब मरोगे तब मरने के बाद में ये देह जो है यही रह जाएगा। महाराज जी चार रानी का कथा सुना के सुनिए ना, सबने सुनिए ना, कौन सी रानी जाएगी साथ में, 4वीं रानी सबसे साथ में जाएगी। आप जो है जब मरोगे तब पुत्र परिवार, वो भक्तिविनोद ठाकुर इस कीर्तन में भजन में कहते हैं कि ये पुत्र परिवार जो है ये कोई सुख नहीं देगा, कोई भी चीज आपको सुख नहीं देगा, जो है ये सब लोग यहीं पर रह जाएंगे और जो शमशान में आपका शरीर पड़ा रहेगा तो वो क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा। और जो है इस अगर देखा होगा जमीन में गाड़ देते हैं शरीर को जो लोग, या कुछ लोग जला लेते हैं तो फिर वो अग्नि होके भस्म हो जाएगा, या फिर जो है कीड़े कुत्ते उसके ऊपर जो है वो महोत्सव करेंगे। इस तरह से उन्होंने जो है मनुष्य जीवन के विषय में बताते हुए कहा है। हमारे जो है एक आचार्य हुए श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो भी इस चीज को वर्णन करते हुए कहते थे कि ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है लेकिन ये इसको संसार में मत लगाओ, किसमें लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ। तो वो कहते थे कि अगर तुम जो है इस संसार के विषय में चर्चा करोगे तो तुम और फंसोगे, तुम जो है और इसमें घोर डूबते जाओगे, लेकिन मेरे मुख से जो है अगर इस संसारिक वार्ता में सुनोगे तो भी जो है तर जाओगे। क्यों, क्योंकि ये संत महात्मा जो है हमें इस संसार के विषय में बताते तो है लेकिन बताते हैं कि ये कितना जो है निकृष्ट है इस संसार जो है। जैसे सुबह सुबह हम गुरुवचन में कहते हैं ना, संसार दावानल नीर होगा, अर्थात यहाँ जो है इस संसार में ज्वाला जल रही। दावानल क्या होता है, जो आग लग जाती है ना जंगल में स्वतः ही लग जाती है, पेड़ों के किसने से अपने आप लग जाती है और वो आप फायर ब्रिगेड से या किससे बुझाओ बुझ नहीं सकती उसको। जो है अगर वर्षा होगी वर्षा से ही वो एकमात्र शांत हो सकती है। तो अर्थात ये जो है संसार की ज्वाला से जो हम तापित हैं, हम जल रहे हैं, तो उसके लिए एकमात्र उसको शीतलता प्रदान करने का वो उपचार क्या है, ये कृष्ण कथा है। तो कृष्ण का भजन करने से ही हम जो है इस संसार से पार हो सकते हैं, यही बात को जो है प्रहलाद महाराज जी वर्णन करते हुए कहते हैं। तो हम भी महाराज जी के श्री मुखारविंद से इस भागवत को सुनते सुनते हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि 7 दिन तक जो हमने सुना है, ऐसा नहीं कि महाराज जी जाने के बाद में बस जो 7 दिन तक ठीक है बाद में छोड़ दिया। नियमित रूप से जो है आप ठाकुर का भजन करो, भजन करते करते जो है इसमें अग्रसर होंगे और हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएंगे। यही बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम एक छोटा बच्चा कहता है सबके सब बोल रहे हैं भैया मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, बच्चा क्या बोलेगा। एक बार मेरी माता जी ने मेरे को बोला
कि इस बार देखो भगवत गीता पढ़नी लगी। मैंने बोला इतनी मोटी किताब है, इसका मन कैसे करेगा पढ़ने के लिए। मेरी माता जी ने मेरे को जबरदस्ती वो उठवाई और मैंने पढ़नी चालू की, पर फिर एक दो श्लोक पढ़ने के बाद मैं खुद ही बोर हो गया। मैंने उसको उठा के रख दिया, वो फिर मैं खेलने के लिए उठ गया। जब मैं वापस आया तो मेरी माता जी ने खूब डांटा, पर फिर मैं उन बातों में बोर होकर कैसे सो गया। उसके बाद एक दिन मेरी माता जी ने जबरदस्ती हरिनाम करवाया। उसके बाद एक बार मेरी माता जी मुझे पत्थर पे लाना चाहती थी पर मेरा मन नहीं था, वो जबरदस्ती में उन्हें लेके गई और अपने आप ही मेरे को कथा में रस आने लगा। वह फिर मैं कथा में आता रहा। उसके बाद फिर मेरा भगवत गीता पढ़ने मन करा, वह फिर मेरा जाप करने का मन अपने आप ही करने लगा। और पहले मेरे को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, उसमें रुचि नहीं होती थी, पर फिर अपने आप ही मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा और अब मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा हूँ पहले से। और अभी भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज तक मैंने जितनी भक्ति करी मेरे को एक डाउट रहा, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो निर्जला एकादशी आती है उसमें बोला जाता है कि पांडवों ने उस दिन पूरे दिन तक पानी नहीं पिया। मैंने सुना है कि एक घंटे में बिना पानी पिए रह नहीं सकता, एक घंटे में मर जाता तो वो कैसे जिंदा रहे। उस समय तो बिना खाए पिए जीता रहते थे, अभी तरीजू वह निकलते कई में जो प्राण है जब रोटी खाओ सब्जी खाओ दाल खाओ भात खाओ तभी ताकत मिलेगा। ताकत मिलेगा, अगर नहीं खाओ तो ताकत नहीं आएगी। अभी भी ये लोग निर्जला व्रत को भी करते हैं, अभी भी सब तरह निर्जला करते हैं ना। कई युग में कर सकते हैं, पर द्वापर युग की बात किया इसलिए कोई असंभव नहीं। और भगवान की भक्ति करने से भगवान ही उसको शक्ति देते हैं, भगवान उसको शक्ति देते हैं। ये कहते हो कि छोटी बच्चा कितना बढ़िया है, इसे खूब बताया। पहले हरिनाम भी मन नहीं लगता था, कथा में भी मन नहीं लगती थी, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, लेकिन जब उसने हरिनाम करना शुरू की अपने आप उसको मन भजन और वह बोल रहा है ना पढ़ाई में भी मैं बढ़िया बन गया। इसलिए अगर आप भी अपना बच्चों को जब स्मार्टफोन दे सकते हो 10-10-20-20 घंटा रुपया की उसको जोर जबरदस्ती आप स्कूल में भेज सकते हो, क्या हम बच्चों को ये नहीं बोल सकते बेटा थोड़ी सी सवेरे एक माला करके चलता एक माला कर देगा। अगर जो बेटा एक माला करेगा ना देखना उसका जीवन अपने आप शुभ लग जाएगा, अपने आप उसको जीवन अच्छा अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है ना, आप लोग भी हरिनाम करो और अपना बच्चे को भी संस्कार डालो, बच्चा भी हरिनाम करे, पिता माता की सेवा करे, पिता माता के आदर करे, बच्चों को गीता पढ़वाओ। बताए ना गीता पढ़ने में रुचि नहीं लगती, जब गीता पढ़ना शुरू कर दी धीरे 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 होगा। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय। जब भी देखो हम लोग ने 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनी, ये कथा में कोई तन से कोई मन से और कोई धैर्य से हर तरह से आप लोग ने मदद किया है, आप लोग ने हर तरह से आप लोग ने मदद किया। भागवत कथा की इतने महत्व श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिकी मतलब कोई कथा सुने तद कल्याण है ही है। अगर कोई भागवत कथा पढ़े उसका भी कल्याण, अगर यदि नहीं हो पाए कहीं कथा हो रही है, अगर किसी ने एक बार बोल दे भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात है, भागवत कथा होनी चाहिए। अगर किसी ने इतनी सी बात बोल दिया ना वो व्यक्ति इतने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो हैं? कभी देवव्रत हो अगर कभी क्या हुआ हो उसी समय में उसका सारे पाप नष्ट हो जाती है। और भगवत धाम को गमन करता है कि भागवत जब परीक्षित महाराज सुनते हुए भगवत लोक को गए, ब्रह्मा जी एक तराजू लेकर के पृथ्वी का जितने दान पुण्य
तराजू का एक तरफ तरफ की, तराजू के दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा की महिमा उतर की, और वो तो पत्थर से जमा रहा, और जितने पुण्य शब्द से हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को पता चल गया कि भागवत कथा जैसे पुण्य जगत में और कुछ है ही नहीं, इसलिए श्री व्यासदेव जी सारी ग्रंथ लेकर के शांति नहीं मिली। लेकिन जब भागवत ग्रंथ लेके हमको मन को परम शांति मिला, व्यासदेव कहते हैं कि स्वयं नारायण है। भगवान शिक्षा देते हैं, अगर आप भागवत कथा सुनोगे आपका मन को परम शांति और परम सुख मिलेगा। और हमारे जो प्रभुपाद इसको नाम सुने होंगे, उनकी जो स्थापना उनको जो गुरु जी थे, देखो वो क्या कहते हैं, बोले एक जीव को जो संसार में भला भटका हुआ जीव, एक जीव को अगर किसी तरह से भगवान की कथा सुना करके उसको भगवान की भजन में लगा दो, भक्ति में लगा दो, बोले कितना पुण्य मिलेगा। अगर ध्यान देकर सुनो क्या कहते हैं, बोले करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल को खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज को खोल दे, कोई अन्न दान खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी अगर एक व्यक्ति को प्रभु की भजन में अगर तुम लगा दोगे उससे करोड़ों गुण ज्यादा फल मिलेगा। बोले क्यों, बोले जिसको दबा दे तो क्या बुखार जिंदगी सही हो जाएगा, कपड़ा दे तो दूध दिला तो फट जाएगा, खाना खिलाओ दो दवा दी भूख लगेगी, है कि जगत का जितने दान पुण्य है वो अचिर स्थायी है, बड़ी दिन के लिए वो दान मिलते हैं, लेकिन उसका फल क्या, बोले स्वर्ग जाओगे, बोले पुण्य खत्म होगा, फिर नहीं पड़ा, पर जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ा। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लग जाए, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन आप ब्रह्म भगवान लगा तो पुनरागर्जन अर्जुन, अगर तुम पुण्य करके ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ पुण्य समाप्त होकर फिर नहीं आओ, यही जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़े रहोगे निकल नहीं पाओगे। लेकिन हे अर्जुन माम उपतु तो कहते पुनर्जन्म, जब वो मेरी भक्ति करके मेरे पास में आएगा जहाँ जाने पर पुनर्जन्म न बीतते, जगत में जन्म ही नहीं होगा, परम शांति परम सुख मिलेगा। इसलिए भागवत कथा आप लोग सुने, कितने नाम की महिमा सुने, भक्ति की महिमा, अगर इसमें एक व्यक्ति सुधर गया, एक को मन में ये भावना आई हम हरिनाम करेंगे भगवान की भक्ति करेंगे, बस मुझे लगता है ये कथा से प्रभु जी कितने साल से कथा लगा रहे हैं, कितने साल से चार पांच साल से, और ये कथा में बहुत लोग परिवर्तन हुए, हरिनाम लिए, माला लिए, गला में कंठी तिलक है, और विशेष करके इनकी पूरा के पूरा एक ही जो परिवार है, बहू बेटा नाती पोती ये सब के सब हरिनाम कर रहे, सब के सब भजन कर रहे। आप समझ सोच नहीं सकते इसमें भागवत कथा में जो पुण्य है ना, आप सोच नहीं सकते कितने पुण्य की भागवत कथा में इनको प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोग इनके परिवार के लिए ना जोरदार ताली बजा। इनके परिवार के लोग कैसे भक्ति करते रहे और कैसे सेवा करते रहे, और इनके परिवार के जो पिता माता होगी उनका जो दीन है ना बड़ा उदार दीन हमने देखा, केवल पिता माता के गुण बच्चे में भी आता है ना, इनके जितने भाई लोग बड़ा उदार दीन और बहुए तो और उदार दीन है, और इनके बेटी नाती बेटी सबके साथ बड़े भाव से यहाँ पर देखो सबके साथ पूरा परिवार बैठ करके यहाँ पर कथा सुन रहे हैं और कोशिश करते हैं उनको बच्चों को बच्चों भी ये संस्कार डालने के लिए, बच्चे भी धीरे धीरे संस्कार बने ये भी भजन करें। इसलिए अभी प्रभु जी और ये कथा में कौन कौन कैसे क्या क्या भजन किया प्रभु जी इसलिए सुना कि प्रभु जी अभी बोलेंगे आप लोग उनका नाम पर सुनाने लगे, ठीक है तत्पश्चात में अपने शिक्षा गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्रीधर महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, और सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रणाम करता हूँ, और अपने हेतु की कृपा की वाचा करता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की सात दिन से अमृत कथा को सुन रहे हैं, ये
बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज जी की कथा कहीं और हो रही थी, किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई, तो महाराज जी ने मुझे फोन किया कि ऐसे से हुआ है। देखो क्या होता है, भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त भगवान को याद करते हैं, और जब भगवान भक्त को याद करे तो कितना सौभाग्य वाली बात होती है। जब महाराज जी का फोन आया तो मुझसे एक मिनट भी रहा नहीं गया। मैंने कहा महाराज जी मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, मैं कथा स्थल देख लूं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं भागवत पूर्ण करूंगा। और जैसे भक्त ठाकुर जी की कृपा से मुझे कथा स्थल भी मिल गया, और फिर मैंने और ये भागवत ठाकुर जी की कृपा से हमने 17 तारीख से यहाँ पे और गुरुदेव की कृपा हुई, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझू। आप सब कितने सौभाग्यशाली हो, तो इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे अरेंजमेंट हुआ। तो तभी फिर सब मैंने अपने भाइयों से बहनों से बात करी तो सभी ने मुझे साथ चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो और मेरा मनोबल और हो गया। अभी जबकि हमने पिछले 6 महीने पहले ही भागवत कथा करी थी और मेरा तो कोई विचार भी नहीं था, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई और सभी मेरे ये साथ बैठे प्रभु भी साथ में आ गए, इनके हौसले के साथ मैंने ये कदम एकदम उठा लिया। तो मनु प्रभु, सीटू, सुंदर गोपाल प्रभु, अभिषेक, इन बच्चों ने मेरे साथ इतना, सुबह आते हैं 7 बजे और महाराज जी को रात तक का कीर्तन करके और 10 बजे 11-12 बजे घर पहुंचते हैं। 7 दिन से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम सुबह उठते तो हैं, रात का हो जाती है पता ही नहीं चलता ठाकुर जी की सेवा में। और इनके बच्चों के लिए कुछ जोरदार ताली बजा, तो इनके सहयोग से ही मैं ये सारा कार्य कर पा हूँ। मेरे अकेले का कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं था और ना ही मैं कुछ मेरे अंदर कोई ऐसी योग्यता कि मैं ये कार्य कर पाऊँ। तो इन सबके सहयोग से और अपने भाइयों भाभियों की वजह से मैं ये सारा कार्य कर पाया और सक्सेस हो पाया। तो सर्वप्रथम मैं अपने बड़े भाई रविंदर चौहान जी का अभिनंदन करता हूँ, कृपा करके वो स्टेज पे आए। इन्होंने भी हमें भागवत में बड़ा ही सहयोग करा है, ये मेरे सबसे बड़े भाई है रविंद्र चौहान जी। इनको महाराज जी के द्वारा भागवत कथा भागवत गीता दी जा रही है। मैं इनसे अनुरोध भी कर रहा हूँ, ये भागवत कथा जो हमने पैक में दी है कृपया करके रोज एक पेज जरूर पढ़े। ये ऐसा ना हो कि स्टोर में जाके, ये भी पूछने की बात है, ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि जो भागवत कथा वैसे तो लोग खरीदते हैं, मुझे तो प्रसाद के रूप में मिल रही है और मैं इसका स्मरण ना करूं, इसको पढ़ूं ना, ये तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। भैया है ना, उनकी माला अपने हाथ से नहीं छूटती, हर समय प्रभु जी माला लेकर जब करती माला लेकर। जब भी कभी आप खाली हो, जब भी आपको 1 मिनट का समय मिले, 5 मिनट का समय मिले, सफर में हो, घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, आपको लगता है कि मैंने 10 बजे सोना, 10:45 बजे आप माला पकड़ लो, अपने आप कल्याण हो जाएगा। इससे बड़ा कार्य कोई भी नहीं है, ये माला ही सब कुछ है, यही हमारे साथ जाना, यही एक धन है जिसको हम अपने साथ लेके जाएंगे, अन्यथा इस दुनिया में जो भी कमाओगे सब यही का यही धरा रह जाएगा, एक सुन तक आप नहीं लेके जा पाओगे, यही एक माला धन है हमारा। धन्यवाद। तत्पश्चात मैं अपनी माता जी को बुला लेता हूँ, ये हमारी जन्म जननी माता, और मैं अपने बड़े भैया रोशन भाई जी को, रोशन चौहान जी को बुलाना चाहूंगा, कृपा करके आप आइए। रोशन भैया है, इनका नाम है रोशन, रोशन मतलब क्या, हाँ रोशन हो जाए, इनका जो टीम है ना बहुत सारा है, कहीं अगर सत्कर्म के लिए हो, कहीं अगर सत्कर्म के लिए हो, ये पैसा भी बढ़िया कमाते हैं, इनलिए पैसा जो है ना ये सब काम में लगाते, कोई बढ़िया काम हो तो काम में उन्होंने टीम खोल करके ये कहते भैया हमारी तरफ में ये सेवा है, इसलिए पैसा भी कमाते हैं और पैसा को भी ये देते भी, इसलिए इनका नाम उसी दिन उन्होंने गीता, मैंने थोड़ा गीता की महिमा सुना दिया ना, उन्होंने 100 गीता को बोले नहीं मेरे नाम पर 100 गीता शुरू बंटवा दी,
नाम सुनते ही उन्होंने 100 गीता लेके सबको में बैठा दिया, सब कल्याण हो सबके सब गीता पढ़ी। इसलिए इनका थीम बहुत बड़ा थीम है, कमाते भी और कमाते भी पैसा के लिए गीता है। इसलिए ठाकुर जी इनको अगर खूब आशीर्वाद करें, खूब फलते फूलते रहे और ऐसे ही सत्कर्म करते रहे। नमस्ती रोशन भाई, इनके नाम बताइए। जो भैया है ये तो कुंती भैया है, ये बने हम भैया कुंती है। जैसे कुंती भैया के पांच बेटे थे ना, इनके भी ऐसे पांच बेटे हैं। इसलिए कुंती भैया की पांच पांडव, इनके पांच बेटे हैं। जैसे बच्चे पांडव सबके सब कृष्ण भक्त थे, इनकी सारे बच्चे सबके सब कृष्ण भक्त थे। और इनकी भक्त बेटे ने जो हमारे क्या राम क्या दशरथ चौहान, ये सबसे पहले ईश्वर में जा करके सबसे पहले उन्होंने हरिनाम सुना और उनकी हरिनाम से धीरे 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 इनका पूरा परिवार सबके सब हरि रस में हरिनाम में सबके सब डूब गए। इसलिए ये माता जी करोड़ों करोड़ों जन्म का इनकी पूजना है, करोड़ों करोड़ों जन्म का। ये भागवत में स्वयं नरसिंह भगवान कहते हैं, ऐसे एक बेटा अगर वैष्णव हो इनकी स्पीड उदार हो जाते हैं, उन पर धन्य हो जाते हैं, पिता माता की कोख धन्य हो जाती है। उनकी बच्चे भी भक्ति करते हैं सब लोग, इन्होंने कितने पुण्य कर्म करके आए हैं, जो कि इतने सारे बच्चे सत मार्ग नहीं, कहीं शराब नहीं, कहीं दारू नहीं, कहीं उल्टा पुल्टा कोई मांस मछली नहीं, सबके सब वेजिटेरियन भगवान की भोग ला करके भोजन करते हैं। ये बहुत सौभाग्यवती माँ है। अगर ये नाम क्या है, नाम क्या है, नाम ही भगवत देवी है, भगवत देवी नाम। आप इनके लिए हम लोग इनके लिए ताली बजाओ। अमर सिंह भाई जी को मेरे बड़े भैया, मैं ही घर में सबसे छोटा हूँ। अरे छोटा नहीं, बस बड़ा छोटा नहीं। तत्पश्चात में अपनी बहन प्रेमलता दीदी, हाँ इन्होंने बड़ा ही सहयोग दिया है महाराज जी का, सारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर बड़ी हेल्प करी इन्होंने मेरी, और इन्हीं के ही घर में महाराज जी रह रहे हैं। ये हम सब लोग ने क्या रुके के काम कर रहे हैं, हाँ रुके के काम है। इन्होंने पूरा एक फ्लोर छोड़ दिया, बोले एक फ्लोर पर रहेंगे। और इनका जो दो बहू है ना, बहुत अच्छी है बहू, यहाँ पर बहुत अच्छी है दोनों बहू, बड़ी भजन करने वाले, भक्ति करने वाले। हम बोलने से पहले हमारे पूजा भी ये तैयार कर देते हैं इनकी दोनों बहू। और इनका जो बेटी है यहाँ पर श्री, इनकी बेटी भी बैठी हुई, बड़ी भक्ति पति है। ये लोग सबके सब हरिनाम जो यहाँ पर बैठे माला लेके सबके सब बैठी यहाँ पर भजन कर रहे, मतलब इतना पूर्वज है ना, बहुत पुण्य कर चुकी, तभी इनकी बंसमें पूरा पूरा परिवार की भक्ति कर रहे हैं सबके सब। सविता भाभी मेरी बड़ी भाभी, ये कविता भाभी है ना, इनको देख रहे हो, मैंने क्या नाम दिया, कृष्ण दिया, ये तो भक्ति करती है। और उन्होंने आज उनकी जो बेटी है, जो यहाँ पर बेटी बैठी है, दो बेटी और इतनी छोटी बेटी है, एकदम छोटी बेटी है, घूम रही है। और इनका एक छोटा बेटे को उन्होंने आज लाए और वहाँ पर खड़ा ही हो गया लाए और इनको उन्होंने हरिनाम दिलाया, हाँ इनको उन्होंने हरिनाम दिलाया, बोले तुम लोग हरिनाम लो, गोपाल मंत्र लिया है पूरा पूरा परिवार और बच्चों को उन्होंने मेरी मांझी पीछे वो सबके सब हरिनाम करती है।